जेठे के पास जेठे के लस्सी के लिए जी। वेलकम बैक टू द व्लॉग। और अभी जो है ना आज है हमारा रोजा पता नहीं कितना शायद 15वां रोजा हो गया आज। अभी जो है ना टाइम हो रहा है कुछ 20 मिनट रह गए हैं सारी खत्म होने में सारी का टाइम खत्म होने में। मैं कहता आज 4:30 बजे ना है ना सारी का टाइम खत्म हो जाना है इसलिए मिनट पर रोला डाली जा रहे हो लोग। अच्छा मैंने उठाता हूँ 3:30 बजे मतलब घर वालों को और ये तब उठते नहीं है। और अभी जो है ना थोड़ा तल लगे हुए काम करने के लिए खाना खुना कोई नहीं अभी तक बनाया। मैंने जो है ना इफ्तारी के बच्चे अपने मकरोनी उठा लिए अब यही हम खा के देखते हैं क्या होता है अगर बन जाता खाना तो खा लेंगे वो भी। खैर उतनी देर में जाना भी अब इसको हम खाते हैं बाकी कुछ ही नहीं है कि हम सारी का जो है ना कुछ भी नहीं है और थोड़ी देर तक तुम्हें मिलता हूँ ठीक है। और अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फटाफट से कर लो क्योंकि ऐसे तुम शादी क्लैन के मेंबर बन जाते हो और बेल आइकन क्लास में दोबारा ताकि बाकी सारे ब्लॉग्स का नोटिफिकेशन मिल जाए जो मैं आगे पोस्ट करने वाला हूँ और सबसे पहले मिले क्योंकि तुम शराजी हो ठीक है। आ जाए भाई हमारे पास हरी में लस्सी और हमारे पास हरी हमारे पास पराठे और हमारे पास अंडा और फ्राजी खाया टिक्की और यह है दही और वो मैकरोनी पड़े हुए मेरे। अभी जब सहरी करते हैं और फिर तुम्हें मिलता हूँ ठीक है। सहरी करने के बाद मैं सो गया था और उसके बाद जो है ना मैं तब का सोया हुआ नहीं सोया नहीं था मतलब बल्कि मैं सुबह सोया हूँ 10 बजे मैं सोया सुबह क्योंकि मेरे भाईजान ब्लॉग एडिट करके अपलोड करना था तो ब्लॉग एडिट करके अपलोड करके फिर मैं सोया हूँ सुबह 10 बजे और 10 बजे सो के फिर दरमियान में एक बार उठा हूँ और कुछ इफ्तारी का सामान ला के फिर दोबारा सो गया था और इससे मेरा बड़ा मूड ख़राब था इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं लाया। खैर अभी जो है ना मैं उठा जैसे ही तो फिर मतलब 6 बज के थे और मैं भाई फिर शाल ले गया और शाल लेके जो है ना पीछे से अजान होगी और फिर जो है ना अभी नमाज़ पढ़ के आया हूँ और अभी जो इफ्तारी का टाइम तो इफ्तारी करते हैं और फिर तुम्हें मिलता हूँ ठीक है। आ जाओ ठीक आज इफ्तारी में हमारे पास स्ट्रॉबेरी शेक भी है और हमारे पास टैंग भी है और हमारे पास पकौड़े हैं और हमारे पास फ्रूट चाट है और वो खजूरें पड़ी हुई हैं इफ्तारी करके फिर तुम्हें मिलता हूँ ठीक है। ये मेरा देखो गाइस दुकान है ठीक है यहाँ से मैं पैसे लगवा रहे हैं और ये आ गए दादा साहब के भाई ठीक है भाई रश देख रहे हैं जेठे के पास जेठे के लस्सी के लिए लस्सी के लिए हाँ जी सिर्फ लस्सी के लिए देखा भाई बंदे आगे पूछ रहे हैं रश किस चीज़ के भाई ये लस्सी के लिए रश है क्या है बाकी दूध भाई को सप्लाई कर रहे हैं साथ टोकन मार रहे हैं और टोकन पकड़ के लाइन में आए थे लोग लाइन में लग गए लोग यहाँ से लस्सी लेते हैं अब ये देखो काम कितना शूटर चल रहा है भाई क्या बात पर मालता है ये सामान भाई एंड पे खड़े हुए ठीक है। और ये सारी लाइन इतनी लंबी लाइन है इतनी लंबी तो अंकल बैठे हुए अंकल जीता की पापा अंकल जीता की बैठे हुए शायद क्या बात मैंने कैसा लग रहा है आपको इतनी लंबी लाइन देगा क्या लगता है आपको मिलेगी आज लस्सी की नहीं लेके जाएंगे आए या लेके जाएंगे क्या बात रखी होगी भाई जान सामान भाई यहाँ हो गए और आगे वाले चले गए अपने काम में अभी भी लाइन वैसे काफ़ी पड़ी हुई है पर हाँ अभी लस्सी बनी चली साबा की मंडिया नहीं है मैं वहाँ बैठी है ना लगी लाइन फाइनली सामान पर इतनी बारी ये सामान कड़ा मैं और क्लास तो ख़त्म हो रही है पर क्या है अभी भी मूवमेंट ऑफ ट्रूथ भाई इतने वेट के बाद पहले सिप तो वैसे ले लिया मैंने क्या बात मामी कैसा लगा आपको नहीं आपको बनाने भी आपको कैसा लगा बात ठीक है ओके कराऊँ यार यही था आज का व्लॉग उम्मीद है तुम लोगों को पसंद आया होगा अगर नहीं भी आया तो उसे लाइक करना कमेंट करना शेयर करना सब्सक्राइब तो लाजमी से कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि तुम्हें बाकी सारे व्लॉग के नोटिफिकेशन मिल जाए जो मैं आगे पोस्ट करने वाला हूँ ठीक है तो फिर हम भी ठीक है तुम भी ठीक है ओके अल्लाह हाफिज़।